नायरा वहां बैठी रहोगी लेकिन मेरा काम नहीं करोगी कभी। कौन सा काम? वही जो कहा था मैंने। कब? अब वो भी याद नहीं तुम्हें? एक काम कहा था वो भी याद नहीं रख सकती। वेरी बैड नायरा। अब सॉरी नहीं याद। भाई गॉड मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। बाकी तो सबके काम याद रहते तुम्हें, इसका काम उसका काम घर का काम शादी का काम लव कुश का काम भी कभी नहीं भूलती, लेकिन मेरा काम भूल जाती हो। इतना अनलक्की तो मैंने कभी फील नहीं किया। कार्तिक बस 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 कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस समझ गया हूं मैं सब कुछ। एक भोले भाले लड़के को फंसा लो उसके बाद उसे इल ट्रीट करो। वेरी बैड कार्तिक। क्या है? अरे क्या? अरे समझ गया मैं तुम्हारी सारी हरकत। तुम ना या तो तुम सीधा सीधा बताओ कि काम क्या है क्योंकि मैं भूल रही हूँ, वरना अपना मुंह बंद रखो। अरे वही जो तुमने कहा था। क्या कार्तिक जल्दी बताओ, देखो पकाओ मत। वही स्माइल करने वाला काम, इस चेहरे पे चमक रखने का काम नायरा। यही वाली स्माइल, ये स्माइल हमेशा देखना चाहता हूँ मैं। जब तुम उदास होती हो ना तो मेरी लाइफ में सिर्फ अंधेरा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी स्माइल नहीं जाती, मेरी जान चली जाती है उस वक्त। घबराहट होने लगती है जब तुम्हारी आवाज में वो खनक नहीं सुनता जो जो मेरे दिल की धड़कनों को चलाते हैं। सॉरी कार्तिक, वो मैं पता है बहुत जिम्मेदारियां आ गई है तुम पर, दोनों घरों की चिंता है तुम्हें, पर फिर भी अगर हो सके तो सिर्फ मेरे लिए हमेशा स्माइल करते रहना। कार्तिक तुम ना एलियन हो, जुपिटर मार्स कहीं से तो आए हो। क्यों? क्योंकि इस धरती में तो ऐसे प्राणी है नहीं। कौन इतना प्यार करता है अपनी बीवी से, कौन करता उसके इतने फिक्र। मैं इस पूरी दुनिया में भी ढूंढू ना, चिराग नहीं स्टेडियम की बड़ी वाली लाइट लेके भी ढूंढू ना, तो भी तुमसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो ना यार, अब तुम्हारे जैसी रेयर पीस बना लिया तो फिर भगवान ने भी सोचा होगा कि इसे मैच करने के लिए एक और रेयर पीस तो बनाना पड़ेगा। तुम भी तो पता नहीं किस ग्रह से इस धरती पर आ गई हो सिर्फ मेरे लिए। I'm so sorry, I'm really sorry, मुझे knock करके आना चाहिए था। नहीं 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 रुकिए, I mean आइए। हाँ हाँ रुको रुको ना, आइए आइए क्यों नहीं, ऑलरेडी कबाब में कम हड्डियां थी हमारी लाइफ में, जो एक और तो वेलकम प्लीज प्लीज जो। अच्छा अब तो मुझे लग रहा है कि मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन गया हूँ, तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं मैं जाऊं। क्या बात है यार, आजकल कोई रोकता ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। I'm so sorry नायरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि कभी मजाक में कभी सीरियसली किसी ना किसी तरह मैं हमेशा तुम्हारे हैप्पी मोमेंट के बीच में आ जाती हूँ। I'm really sorry। अरे नहीं दी प्लीज, आप भी अपने भाई की तरह सेंटी मत हो। It's okay। वैसे मेरे पास भी काफी मौके आएंगे बदला लेने के लिए, और जब खुद नहीं ले सकूंगी तो है मेरे जासूस वहां पे, तब की तब देख लेंगे। पर अभी तो प्लीज तुम नीचे चलो, वो ज्वेलर आ गया है और तुम्हारे बिना मैं खुद सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। चलो। अरे वाह कितनी चमक है ना, लगता है काला चश्मा पहनना पड़ेगा। मुन्ना ने कहा है उसकी तरफ से सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है। वैसे करिश्मा मुझे लगता है नायरा के लिए भी तुम ही कुछ पसंद करो, है ना? ठीक है। और कीर्ति के लिए? अरे उसके लिए तो लेना ही है, उसमें क्या पूछना। लड़की की शादी में इतनी दिलदारी नहीं दिखाई आप लोगों ने, लड़के के शादी में बड़ा दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं। आंटी हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है ना। नैतिक भैया ने तो तभी सबसे कहा था जिसे जो चाहिए वो ले ले, वो तो हमारा ही मूड सही नहीं था। भाई साहब आप भी लीजिए ना कुछ। ना ना मारे को जरूरत ना है, कावेरी रुक्मणी बहन ने मारे तरफ से जो भी चाहिए वो लेके दे। जी जी बुआ दादी, इन्हें नैतिक भैया की तरफ से तो मिल ही रहा है ना, तो फिर आपकी तरफ से अलग से क्यों? तू चुप कर करिश्मा, के बड़ों की बात में बोले है बीच में, जिसने जो देना है वो दे देवे, तू अपना काम कर। हाँ ले ले तारे को जो चाहिए वो। ठीक है तुम ये देखो।
कैसा लग रहा है? भाई को पूछूं, उन्हें कैसा लगेगा? नहीं, वो बिजी होंगे। अरे दी, काम तो पूरी लाइफ चलता रहेगा, आप जाइए ना, फोन लगाइए। नहीं 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 प्लीज नहीं। अरे लगाओ ना। नायरा सब लोग देख रहे हैं, यहाँ बैठ। चलो ठीक है, यहाँ नहीं, साइड में जाके लगाओ। जाओ जाओ जाओ, उन्हें दिखाओ। पतियों ने अगर हार पसंद कर लिए हो तो पत्नियां हमें बता दे। हाँ जी, मुझे ये वाला पसंद है। अम्मा जी, मुझे ये वाला जी, मेरे लिए ये वाला जी। मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। ये देखिए सोना जी, मैंने कहा था ना, बस अभी आ जाएगा आपका खानदानी हार पॉलिश होके। लीजिए, आ गया। वाओ दीदी, बहुत ही एलिगेंट है ना। हाँ, सोचना सुरेखा, पहनने पे कितना सुंदर लगेगा। किट्टू, मेरी मां का हार है दादी, मेरी मां का हार आपने आपने इन्हें कैसे दे दिया? मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मेरी मां का कोई भी सामान इन्हें नहीं मिलेगा। आप लोग क्यों नहीं समझते ये बात? किट्टू, कितने सालों से ये अलमारी में पड़ा था। तो कीर्ति को दे देते, नायरा को दे देते, आपने इन्हें क्यों दिया? मेरी मां का कोई भी सामान इन्हें नहीं मिलेगा। कार्तिक, तुम गलत। हाँ, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगूंगा, क्योंकि आपको तो हमेशा अपनी बीवी की साइड लेनी होती है। कार्तिक, ये हार उन्होंने दीदी के लिए पॉलिश करवाया है। मुझे पता है नहीं किसी ने, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख के समझ गई। नायरा सही कह रही है किट्टू, मनीष ने हमसे पहले ही पूछ लिया था। आप दोनों अपने हाथों से दे दीजिए गिफ्ट दीदी को। सुनना, आओ कीर्ति।
वजह इतना सीन क्रिएट कर दिया। माँ का हर कीर्ति के लिए था और मैं सही कहती हूँ तुम, कभी कभी बिना सोचे बिना समझे कुछ भी कर जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। सब कभी कभी ऐसा कर जाते हैं, हमारे इमोशंस हमारे सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देते हैं। कीर्ति भी बहुत अपसेट होगी ना? नहीं, वो समझती है तुम्हें। पता है मां की निशानी कीर्ति के पास होगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर उनकी माँ की निशानी उसके पास हुई तो? कार्तिक, मैं भी होती तो। खैर वो छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि तुम दोबारा नहीं करूंगा। हैरान मत हो, तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता हूँ मैं। और मैं भी जानती हूँ ये तुम जानबूझ के कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन अनजाने में भी ना पहुंचा इसकी कोशिश तो हम कर सकते हैं ना? ट्राई तो किया जा सकता है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।